और योगा करूंगी। जी नहीं, क्योंकि रन टाइम रूटीन ना मेरा बिल्कुल अलग है। देखो कैसा है। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना क्वारंटाइन रूटीन। सो आजकल मैं उठ जाती हूँ 8:30 के आसपास, और सबसे पहले उठ के मैं ये करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही होती है। उसके बाद मैं ब्रश कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ता है। उसके बाद अपना चेहरा धुलती हूँ एंड जो भी करना होता है करती हूँ। उसके बाद घड़ी की स्विच जैसे ही 9 पे जाती है, हमारे घर का टीवी हो जाता है ऑन और हम सब के हाथ में होता है एक कप चाय विद रामायण, क्योंकि रामायण हम सब देखते हैं। और मुझे पहले बहुत बोरिंग लग रहा था लेकिन अब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। सो गाइस, मैं नहा के आती हूँ और धूप में खड़ी होती हूँ क्योंकि मुझे बाल सुखाने होते हैं और मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं है। अब नहाने के बाद मुझे लग जाती है बहुत ज़ोर से भूख। सो मैं करती हूँ लंच या ब्रेकफास्ट या जो कहना है कह लो, क्योंकि बड़े गंदे टाइम से मैं खा रही हूँ और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। उसके बाद मुझे कोई YouTube वीडियो शूट करना होता है तो मैं वो कर लेती हूँ। सुबह जलाओ, शाम जलाओ, देवी दर्शन अगरबत्ती, और फिर घुमा फिरा के आ जाते हैं फोन पे क्योंकि और कोई काम नहीं है, और फोन चला के अपना टाइम पास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। पर मुझे मेरी मम्मी से डांट पड़ जाती है और मम्मी मुझे बैठाती हैं, और उन्होंने जो भी YouTube ट्यूटोरियल देखा होता है कुछ ना कुछ नया नया हेयर स्टाइल का वो मेरे ऊपर ट्राई करती हैं और मैं बेचारी बेबस उनसे हेयर स्टाइल बनवाती हूँ। और कभी कभी मैं दिन में बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ तो ये कुछ मंडाला आर्ट टाइप ट्राई कर लेती हूँ। मुझसे होता नहीं है बट मुझे जो भी आता है कैलीग्राफी वगैरह वही सब ट्राई करती रहती हूँ। पता नहीं क्यों करती हूँ, मेरी पता नहीं क्या ही आदत है। सो आज मैंने बनाया था ये 3 ड्राइंग स्केच जो भी है वो बनाया था, एक ये पेड़ पौधा, दूसरा ये मंडाला आर्ट जो बना नहीं, और तीसरा ये पता नहीं क्या ही मैंने बना था। और गाइस कभी कभी दोपहर को भी बहुत सही जब मौसम होता है ना तो मैं बाहर बैठ जाती हूँ, बाहर मतलब वो वाला बाहर नहीं, मतलब घर के अंदर वाला बाहर। और अगर आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे क्या पी रही हूँ, सो मैं हल्दी वाली दूध पी रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के हिसाब से मेरी इम्यूनिटी बहुत कम है। और या और मैं यहाँ पे हाथ धुल रही हूँ। और जिस दिन मुझे कुछ शूट नहीं करना होता YouTube वीडियोस के लिए, जैसे कि मैं आजकल कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत आजकल उतनी ठीक नहीं रह रही है, सो मैं एक दो मूवीज़ देख लेती हूँ क्योंकि उससे काफ़ी सही टाइम पास हो जाता है और फिर पता नहीं चलता है कब शाम हो जाता है। तो कभी कभी शाम को हम लोग चल जाते हैं अपने छत पे, और मेरे छत पे मेरी स्काई का कलर था आज पिंक, आई मीन मेरी स्काई नहीं है, सबकी स्काई है, सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, गलती से मैं इधर उधर निकल जाती हूँ। सो हम लोग छत पे जाके करते हैं फ़ोटोशूट और कुछ वाहियात फ़ोटोज़ क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। और शाम को मैं अपने हाथों से मेरी मम्मी के लिए कभी कभी चाय बना देती हूँ क्योंकि मेरे हाथों की मेरी मम्मी को चाय बहुत सही लगती है। पता नहीं, मुझे तो नहीं अच्छी लगती, उनको अच्छी लगती है, शायद वो मुझसे काम कराना चाहती हैं। ओके, सो उसके बाद मुझे भूख लगी रहती है तो मम्मी कुछ ना कुछ टेस्टी सा नाश्ता बनाती हैं। आज उन्होंने बनाया था पनीर चिली जो बहुत टेस्टी था। और फिर से मेरे हाथ में आ जाता है मोबाइल क्योंकि कोई काम ही नहीं रहता है यार। मैं सच बता रही हूँ, मैं रियल दिखा रही हूँ इसलिए ये बता रही हूँ आपको। सो मैं इस टाइम आप सबके प्यारे प्यारे रिप्लाईज आई मीन कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ यार, सो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उन्हें हार्ट्स देती हूँ, रिप्लाईज देती हूँ जितने हो पाते हैं मुझसे, और यही सब करती हूँ। और मैं फिर लूशी के साथ खेलती हूँ और टाइम बीतता है, आई मीन मैं बिताने की कोशिश करती हूँ। और 9 बजे का मैं वेट करती हूँ क्योंकि 9 बजे आता है रामायण जो हमारी पूरी फैमिली साथ में देखती है। और फिर 10:30 तक हम सब मेरे घर में सारे के सारे खाना खा लेते हैं। आज हमारे घर बना हुआ था पनीर एंड रोटी, और मुझे पनीर काफ़ी पसंद है, सो मैं खाए जा रही हूँ। तो रोज़ रात में हम इन 3 डॉग्स को भी खाना दे देते हैं, और क्योंकि यार लॉकडाउन की वजह से ना मेन प्रॉब्लम इन बेचारों के साथ हुई है। वैसे तो मैं बहुत कामचोर हूँ लेकिन आजकल ना ये 21 डेज लॉकडाउन की वजह से मैं थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर भी कर ले रही हूँ। फिर फाइनली ये दिन ख़त्म होता है और मैं लाइट्स करती हूँ ऑफ और मैं सुन जाती हूँ, आई मीन एक्चुअली थोड़ा सा मोबाइल चलाती हूँ थोड़ा सा सिर्फ, उसके बाद सोती हूँ। ओके, सो गुड नाइट गाइज, बाय।